फ्रेंड्स, झटपट बैटर में आपका स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो बच्चों को तो पसंद आएगी ही, साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो इसे छुट्टियों में बार बार बनवा के खाएंगे, ये बात तो पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे घर में जो सबको पसंद है मैंने वही सब्जियां ली है, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, पनीर। इन सबको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, अब बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी, जिसको की रवा भी बोला जाता है, वो ली है, और साथ ही सेम कटोरी मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ बाजार की क्रीम भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 चम्मच दूध मिलाते हुए घोल को मिक्स करके रखना है। इसे न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला बनाना है। 2 से 3 चम्मच दूध मिलाते हुए मिक्सर तैयार करना है। इसे न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला रखना है। साथ ही 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। फिर से एक बार सबको मिक्स करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। मेरे चैनल पर आपको बहुत टेस्टी और झटपट से बनने वाली रेसिपी मिलेंगी। तो यहाँ अब हम अपनी सब्जियां भी डाल लेते हैं। फिर से एक बार सबको एक साथ मिलाते हुए 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से फूल सके। देखिए सूजी के फूलते ही यहाँ घोल काफी गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने 4 से 5 चम्मच दूध और डालते हुए पूरे मिक्सर को एक बार फिर से चेक किया। तो देखिए हमें इससे ज्यादा पतला नहीं करना, बस घोल इतना ही रहे कि ब्रेड पर अच्छे से फैल सके। अब मैंने एक ब्रेड की स्लाइस लेते हुए मिश्रण को पूरी तरह से उसके ऊपर लगा लिया। देखिए मिश्रण ना ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा, पर इसे लगाना पूरे अच्छे से है। अगर आपका मिश्रण थोड़ा सा पतला हो भी गया है तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, उसमें 1 से 2 चम्मच सूजी और मिला लेना तो मिश्रण पूरी तरह से सही हो जाएगा। इसी तरह से मैंने दूसरे ब्रेड स्लाइस पर भी घोल को पूरा लगा लिया है। अब एक तवे पर या पैन पर, जिस पर भी आपको बनाना अच्छा लगता है, उसे आप ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। अब जिस साइड पर हमने मिश्रण को लगाया था उसी साइड को हमने तवे पर लगाना है, उसी साइड से तवे वाली साइड पर डालना है। देख रहे होंगे आप वीडियो में जिस तरह से मैंने डाला है, और ऊपर से उसे हल्के हल्के दबाते हुए सेक लेना है। उसी में मैंने एक चीज स्लाइस रखते हुए इसमें ऊपर से ऑर्गेनो डाला है। दूसरी स्लाइस पर जिसमें मिश्रण ऊपर की साइड है, उसे चीज के ऊपर आराम से रखते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें उठाते हुए मिक्सर वाली साइड नीचे की ओर पलटकर ऊपर से हल्के हाथ से दबाना है। तो देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से सैंडविच तैयार हुआ है। अब इन्हें निकालते हुए काट लेते हैं। ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। बच्चे तो ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये घर का है या बाहर का। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।